ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं आधी आबादी पूरा सच। हमारे इस कार्यक्रम का मकसद है कि बेटियों के प्रति समाज की सोच बदले, महिलाओं को उनका हक मिले। जिन महिलाओं ने अपने हक की आवाज बुलंद की है उन्हें देर सवेर से ही सफलता मिली है। श्रोताओं कहते हैं कि उम्मीद की एक किरण आपके घर को रोशन कर सकती है, बस थोड़ा सा खुद को बदले, थोड़ा बदलने वालों को समझें, क्योंकि बदलाव प्रकृति का नियम है और वक्त बदल रहा है। तो अच्छा होगा हम भी घड़ी की रफ्तार को समझें। रफ्तार, जी हाँ, आज की कहानी यही है, दिल्ली की रफ्तार। श्रोताओं, राष्ट्रीय राजधानी की सड़कों पर महिलाओं की सुरक्षा बड़ी चिंता है, इसीलिए पिछले कुछ सालों में कई आंदोलनों का गवाह बनी है दिल्ली। लेकिन डर के इस माहौल में कुछ ऐसे टिमटिमाते तारे हैं जो अंधेरे के काले बादलों पर रोशनी की छटा बिखेरते हैं। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, एक ऐसी बेटी की कहानी जो दूसरी बेटियों की सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए अपनी रातें सड़कों पर गुजारती हैं। एक ऐसी बेटी की कहानी जिसने समाज की नजरों में कोई बड़ा काम नहीं किया, लेकिन पुरुषवादी सोच के नाम पर बेटियों की हंसी उड़ाने वालों को नजरें झुकाने पर मजबूर जरूर किया है। एक ऐसी बेटी की कहानी जिसने दुनिया के मंच पर कोई बहुत बड़ा तमगा नहीं जीता, लेकिन देश को हर वक्त गाली निकालने वालों के मुंह पर तमाचा जरूर मारा है। ये बेटी कोई फिल्म स्टार नहीं है, कोई बड़ी अधिकारी या खिलाड़ी भी नहीं है, राजनेता या समाज सेविका भी नहीं। ये भारत की वो बेटी है जो दिल्ली की सड़कों पर ऑटो चलाती है। दुनियादारी के लिहाज से एक दबंग महिला है जो ना रात के अंधेरे से डरती है, ना ही अपराध के आंख। श्रोताओं, लंबे संघर्ष के बाद मिली जीत बयां करती है कि जीवन में मुश्किलों से घबराइए नहीं, क्योंकि कामयाबी का रास्ता वहीं से निकलता है और इस रास्ते में परिवार, समाज, सरकार सब आपके साथ खुद ब खुद चले आते हैं। सुनीता चौधरी ने ऐसा रास्ता चुना जिस पर चलना जोखिम भरा था। दिल्ली की सड़कों पर ऑटो चलाना एक चुनौतीपूर्ण काम था। ऑटो चलाना मतलब ड्राइविंग मुश्किल नहीं थी, मुश्किल था उन ड्राइवर्स के बीच जगह बनाना जिन्होंने अपने आसपास सिर्फ मर्द ही देखे थे। सुनीता जैसी बेटियां अपने पैरों पर खड़ी हो सकें, सुरक्षित रह सकें, इसके लिए केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने अप्रैल 2015 में 181 हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत की। 24 घंटे चलने वाला ये टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर हर वक्त उपलब्ध रहता है। यहाँ फोन करने वाली महिलाओं को हिंसा या किसी भी तरह की परेशानी से पार पाने के लिए मदद मिल सकती है। यहाँ तक कि रोजगार के लिए परेशान हो रही महिलाएं भी 181 हेल्पलाइन नंबर पर फोन कर महिलाओं के लिए चल रही योजनाओं की जानकारी ले सकती हैं। और तो और, इन योजनाओं का लाभ कैसे उठाया जाए ये बताने के लिए भी अधिकारी या कार्यालय से जोड़ सकते हैं। अब तक 17 लाख से ज्यादा फोन कॉल 181 हेल्पलाइन नंबर पर एड्रेस किए गए हैं। लेकिन श्रोताओं, 12 साल पहले दिल्ली में या देश के किसी दूसरे शहर में ऐसी कोई सुविधा नहीं थी, ऐसे लोग भी नहीं थे, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का ऐसा स्वरूप भी नहीं था जहां महिलाएं अपनी बात रख सके। इसीलिए दिल्ली की सुनीता चौधरी बस चक्कर लगाती रही सरकारी दफ्तरों में। ऑटो चलाना चाहती थी क्योंकि सुनीता को अपने पैरों पर खड़ा होना था। पढ़ी लिखी नहीं थी, नौकरी कर नहीं सकती थी, परिवार में ऐसा कोई रिश्तेदार नहीं था जो कोई मदद कर पाता, इसलिए सुनीता ने ऑटो ड्राइवर बनने की ठानी। बेटे की सभी जिम्मेदारियों को पूरा करने वाली सुनीता दिल्ली की सड़कों पर साहस की मिसाल है। अकेले ऑटो में बैठने से डरने वाली बेटियों का भरोसा बढ़ाने वाली ये बेटी देश की पहली महिला ऑटो ड्राइवर है जो पिछले 12 सालों से दिल्ली की सड़कों पर बेखौफ दौड़ रही है। जो महिला हमारी ऑटो में बैठ गई तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी वो हमारी होगी। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि ड्राइविंग सीट पर बैठना सुनीता के लिए किसी जंग से कम नहीं था। कमर्शियल लाइसेंस हासिल करने के लिए उसे 3 साल तक अथॉरिटी के चक्कर लगाने पड़े। सुनीता की ऑटो चलाने की इच्छा को लाइसेंस बनाने वाले सरकारी कर्मचारियों ने पहले मूर्खता और फिर पागलपन करार दिया। लाइसेंस लेने वे जब भी जाती अधिकारी सीट छोड़कर चले जाते तो कभी दरवाजे से ही भगा देते। भला ऐसा क्यों हुआ, ये सवाल आपके जहन में है? श्रोताओं, मेरे भी जहन में ये सवाल था। अगर कोई गरीब महिला अपना रोजगार ऑटो ड्राइवर बनकर चलाना चाहती है तो इसमें भला किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? लेकिन श्रोताओं, हमारे समाज को बहुत दिक्कत होती है कोई भी जब नया काम करता है,
इन्हीं दिक्कतों को दूर करने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 115 जिलों में शक्ति केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई है। यहाँ पर रोजगार के सैकड़ों विकल्पों को आपके लिए लाया जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि बेटियों को मुख्य धारा से हर हाल में जोड़ा जाए। श्रोताओं, मेरठ की सुनीता के इरादों के सामने आखिरकार अधिकारियों को झुकना पड़ा। 3 साल तक लगातार वे अथॉरिटी के अधिकारियों को समझाती रही कि उसे लाइसेंस क्यों चाहिए। हर सप्ताह चक्कर लगाना उसकी नियति बन चुकी थी। खूब मजाक उड़ाया, लेकिन उसकी जिद के सामने अधिकारियों ने माना कि 3 साल तक उसे लाइसेंस नहीं देना उनकी बड़ी भूल थी। दरअसल लाइसेंस देने वाले कर्मचारियों को ये समझने में 3 साल लग गए कि कोई महिला सड़कों पर ऑटो दौड़ा सकती है। ये एकदम स्वाभाविक रूप से अपना पेट भरने के लिए वो भी मेहनत कर सकती है, वैसे ही जैसे पुरुष करते हैं। श्रोताओं, आखिरकार लंबे इंतजार और संघर्ष के बाद 26 मार्च 2003 का वो दिन आया जब वे दिल्ली ही नहीं भारत की पहली महिला ऑटो ड्राइवर के रूप में चर्चा में आई। लेकिन अब चुनौतियां बदल गई। कई बार सवारी जो है वो ऐसा मिल जाता है, शराबी हुए मिल जाता है, बदतमीज मिल जाता है, लेकिन जब ज्यादा वो लगता है हमें कि हाँ हमें इसको ले जाना ठीक नहीं है, तो हम लोग ना गाड़ी खड़ी कर देते हैं और आगे गाड़ी को मैं नहीं बढ़ाती हूँ आगे। लेकिन श्रोताओं, सुनीता भला ऐसे लोगों की कहाँ परवाह करती। बचपन से ही तकलीफों से लड़ने की आदत जो थी, 1991 में 13 साल में दोगुनी उम्र के व्यक्ति से शादी हो गई थी। पति ने दहेज के लिए जान तक लेने की कोशिश की। सुनीता ने लंबी कानूनी लड़ाई के बाद पति को शिकस्त दी, तो आज उन लोगों को ठेंगा दिखा रही हैं जो अकेली महिला को देखते ही बीमार मानसिकता का परिचय देते हैं। सुनीता को देखकर आज दूसरी बेटियों ने भी इस क्षेत्र का रुख किया है। हालांकि अभी भी ऑटो चलाना महिलाओं के लिए अच्छा नहीं माना जाता। आकाशवाणी के श्रोता जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, वो सुनीता को सुनने के बाद जरूर कहेंगे कि काम कोई छोटा नहीं होता, ना ही हर बार असुरक्षा के नाम पर हम हमारी बेटियों को बांध कर रख सकते हैं। इसलिए अपनी बेटियों को आत्मनिर्भर बनने का मौका दीजिए। जो काम वो करना चाहती हैं, उसे करने दें और उन पर थोड़ा भरोसा भी करिए। उम्मीद करती हूँ हमारी आज की कहानी भी आपको पसंद आई होगी। मेरी अगली कहानी के लिए तैयार रहिएगा और इंतजार भी कीजिए। मिलने जरूर आऊंगी। और हाँ, जाने से पहले एक जरूरी बात, अगर आपके आसपास भी ऐसी ही कोई शानदार प्रेरणादायक जीवंत कहानी है तो आप सीधे भेज सकते हैं महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती मेनका गांधी के ईमेल पर। उनका ईमेल एड्रेस है gandhim@nic.in। आप मंत्रालय के फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल @ministrywcd पर भी स्टोरीज पोस्ट कर सकते हैं। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार की 350 से ज्यादा योजनाएं हैं जो महिलाओं को लाभ पहुंचाने के लिए बनाई गई हैं। अगर आप इनकी जानकारी लेना चाहें तो नारी पोर्टल देख सकते हैं। मंत्रालय की अधिकृत वेबसाइट है www.wcd.nic.in। और हाँ, अगर आपने चिट्ठी लिखनी नहीं छोड़ी है तो मंत्रालय का पता है 3rd फ्लोर, शास्त्री भवन, नई दिल्ली। अब वक्त आपसे विदा लेने का है। मैं डॉक्टर मीना शर्मा आपसे फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ, इसी वक्त आकाशवाणी के इन्हीं चैनल्स पर। नमस्कार।